नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत अमेरिका और ताइवान के बाद एक और देश चीन को तगड़ा झटका देने वाला है। ये देश है जापान, जिसने चीन से जापानी कंपनियों को वापस निकालने और फिर से जापान में लाने के लिए पैसे देने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोकल सप्लाई चेन पर कोई असर ना पड़े और चीन पर उनकी निर्भरता भी कम हो सके। जापान अपनी 57 कंपनियों को चीन से वापस लाकर देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए $53 करोड़ खर्च कर रहा है। इतना ही नहीं, अन्य 30 कंपनियों को वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशियन देशों में अपनी यूनिट वापस जापान लाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। निक्केई अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार इसके लिए कुल मिलाकर करीब 70 अरब येन खर्च करेगी। चीन का आर्थिक मोर्चे पर ब्लैकमेल करने से लेकर दूसरे देश की सीमा का सम्मान नहीं करना किसी भी देश को अच्छा नहीं लग रहा है। ताइवान की सरकार ने भी 2019 में कुछ ऐसी ही पॉलिसी बनाई थी जैसी जापान ने बनाई है। वहीं अमेरिका पहले से ही चीन से अपनी कंपनियां निकालने की फिराक में है। एप्पल ने तो भारत में अपने प्लांट्स बढ़ाने का फैसला भी कर लिया है। चीन से बहुत सारी कंपनियां निकलकर बाहर आना चाहती हैं। भारत ने भी पहले ऐप बैन किए और अब चीनी कंपनियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हो सकता है आने वाले वक्त में चीनी कंपनियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो दोस्तों, ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।